आज की इस वीडियो में हम आपको मार्केट जैसा हैवी और डिजाइनर दुपट्टा घर पे ही बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये पिंक कलर का हमने नेट लिया है। तो फुल साइज का दुपट्टा बनाने के लिए आपको 2.5 मीटर नेट की जरूरत होगी। इस तरह का प्लेन नेट आपको मैचिंग सेंटर पर 30 से 40 रुपए मीटर के हिसाब से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये पिंक कलर का 2.5 मीटर हमने नेट का फैब्रिक लिया है। जो भी कलर आपको पसंद हो उस कलर की नेट आप मार्केट से खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको 2 दुपट्टे बनाकर दिखाएंगे। तो एक हमने पिंक कलर लिया है और एक हमने लिया है गोल्डन कलर। तो 2 दुपट्टे हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। गोल्डन कलर का भी हमने यहाँ पर 2.5 मीटर नेट लिया है। मार्केट से इस तरह के हैवी दुपट्टे हम खरीदते हैं तो काफी कॉस्टली पड़ते हैं। आप घर पे ही बहुत ही कम पैसे में ये दुपट्टे बनाकर तैयार कर सकते हैं। दुपट्टे पर लगाने के लिए हमने यहाँ पर ये कुंदन वर्क वाला बॉर्डर लिया है। 2.5 मीटर चुन्नी पर लगाने के लिए हमने ये 8 मीटर बॉर्डर लिया है। ये बॉर्डर हमने 45 रुपए मीटर के हिसाब से खरीदा है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है और इस पर पूरी बॉर्डर पर कुंदन वर्क है। इस तरह के बॉर्डर और भी डिजाइन और वैरायटी में आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। आप चाहें तो अपने दुपट्टे की मैचिंग का बॉर्डर भी खरीद सकते हैं। ये वाला बॉर्डर हम पिंक कलर की चुन्नी पर लगाएंगे और गोल्डन कलर की चुन्नी पर लगाने के लिए हमने दूसरा बॉर्डर लिया है। ये भी बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है और इस पर भी कुंदन वर्क है। ये बॉर्डर भी हमने 45 रुपए मीटर के हिसाब से लिया है। दोनों चुन्नी पर लगाने के लिए हमने यहाँ पर ये बूटी ली है। तो ये भी कुंदन वर्क वाली बूटी है, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है और ये बूटी हमने 3 रुपए पर बूटी के हिसाब से खरीदा है। तो एक चुन्नी पर हम 20 बूटी लगाएंगे। तो ये भी आपको और भी डिजाइन और साइज में मिल जाएंगी। आप चाहें तो ज्यादा भी लगा सकते हैं लेकिन एक चुन्नी पर 20 बूटी काफी होती है। तो यहाँ पर हमने 40 बूटी ली है। दोनों चुन्नी पर हम 20-20 बूटी लगाएंगे। यहाँ पर हमने राउंड कलर के गोल्डन स्टोन लिए हैं तो ये भी हम इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। तो इससे काफी हैवी लुक आता है चुन्नी में। स्टोन और बूटी पेस्ट करने के लिए हम फैब्रिक ग्लू का यूज करेंगे। तो ये भी आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। बूटी जो हम यूज कर रहे हैं ये पेस्टिंग वाली है तो इनको भी हमें चुन्नी पर पेस्ट ही करना है। बूटी आपस में जुड़ी हुई है तो इनको हम कट करके अलग कर लेते हैं। ये हमने सारी बूटी कट करके अलग कर ली है। तो दोनों चुन्नी पर सबसे पहले हम बूटी पेस्ट कर लेते हैं। ये हमने दोनों चुन्नी को बिल्कुल सीधा हमने बिछा कर रखा है और जहां पर भी आपको बूटी पेस्ट करनी हो आप पहले उसे सेट कर ले, जितना भी डिस्टेंस आपको इनके बीच में रखना हो। तो ये हमने बराबर से बूटी सेट करके रख दी है और अब हम इन्हें पेस्ट करेंगे। फैब्रिक ग्लू की हेल्प से ही हम इसे पेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से हम स्टोन भी पेस्ट कर लेते हैं। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और स्टोन हम पेस्ट कर लेंगे।
कि हमने दोनों चुन्नी पर स्टोन और बूटी पेस्ट कर लिए हैं। अब इन्हें हम ऐसे ही 3 से 4 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देंगे और उसके बाद में हम चुन्नी को हटाएंगे, जिससे कि स्टोन और बूटी चुन्नी से अच्छी तरह से चिपक जाएं। स्टोन और बूटी चुन्नी पर अच्छी तरह से चिपक गए हैं। नेक्स्ट डे हम इसके ऊपर बॉर्डर लगा रहे हैं। इसे हटाने के बाद में भी आप इसे अच्छी तरह से सूखने दें। अगर ग्लू गीला रह गया तो स्टोन और बूटी चुन्नी से वापस से उतर जाएंगे। अब हम इसके ऊपर बॉर्डर लगाएंगे। ये हमारा चुन्नी का राइट साइड है। इस साइड से हम लगभग 1/2 इंची कपड़े को हम इस तरह से राइट साइड ही फोल्ड करेंगे और यहां से इस पर बॉर्डर लगाना स्टार्ट करेंगे। हम जो बॉर्डर यूज कर रहे हैं उस पर एक साइड हैवी कुंदन वर्क है, तो यहाँ पर मशीन नहीं चलेगी, तो एक साइड ही हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और ये वाला पार्ट जो है वो हम चुन्नी से बाहर की तरफ निकालेंगे। तो इस तरह से इसे सेट करके रखना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से पकड़कर इस पर सिलाई लगानी है। तो ये बॉर्डर लगाने के लिए हमने जिप्पर फुट लगाया है। सिंपल जो प्रेशर फुट है इससे ये बॉर्डर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक साइड में कुंदन वर्क है। तो यहाँ पर हम जिप्पर फुट की हेल्प से ये बॉर्डर स्टिच कर रहे हैं। तो देखिए एक साइड हमने यहाँ तक बॉर्डर स्टिच कर लिया है। अब हम इसे दूसरे साइड स्टिच करेंगे। तो फिनिशिंग के साथ कॉर्नर बनाना है यहाँ पर। अब यहाँ से हम फिनिशिंग के साथ कॉर्नर बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं बॉर्डर को हमें इस तरह से पलटना है, राइट साइड की तरफ इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से तिरछी इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, जिससे कि फिनिशिंग के साथ एक कॉर्नर बन जाएगा। तो ये हमने कॉर्नर पर सिलाई लगा ली है। तब देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ ये कॉर्नर हमने स्टिच कर लिया है। अब इस साइड हम ये बॉर्डर स्टिच करेंगे। इसी तरह से हम पूरी दुपट्टे के चारों तरफ ये बॉर्डर लगा लेते हैं। ये हमने पूरे दुपट्टे के चारों तरफ ये बॉर्डर स्टिच कर लिया है और बॉर्डर लगाने के बाद में आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये दुपट्टा लग रहा है। अगर इस तरह का दुपट्टा आप मार्केट से खरीदेंगे तो आपको काफी कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन आप घर पे ही कम पैसे में ये दुपट्टा बनाकर तैयार कर सकते हैं।
पूरी चुन्नी पर दुपट्टा लगाने के बाद में हमारे पास इतना पीस बच गया है, तो इससे आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, ब्लाउज पर लगा सकते हैं, टैसल्स बना सकते हैं। इसी तरह से हमने गोल्डन कलर की चुन्नी भी बनाकर तैयार कर ली है। इस पर भी हमने बॉर्डर स्टिच कर लिया है और बॉर्डर लगाने के बाद में आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।